यह एक वाणी पुस्तक है जिसका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ हरमन हेस द्वारा लिखित है। हरमन हेस एक जर्मन उपन्यासकार, कवि और चित्रकार थे जिन्हें 1946 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसे एक विश्व क्लासिक माना जाता है। सिद्धार्थ हरमन हेस, ब्राह्मण का बेटा। ब्राह्मण के सुंदर सुडौल बेटे उस युवा विहग सिद्धार्थ ने बचपन और किशोर अवस्था के पड़ाव अपने मित्र गोविंद के साथ घर की छाया में, नदी के किनारे, नावों के पास, धूप में और साल के वन और उदंबर की गाछ की छाह में पार किए। नदी तट पर नहाते हुए या पवित्र बलियों के समय पावन स्नान करते हुए सूर्य की किरणें उसके छरहरे कंधे को संवालती रही, अमराई में खेलते समय माँ के गुनगुनाए गीतों को सुनते हुए, अपने पिता के सामने बैठकर पढ़ते हुए या ज्ञानियों की संगत करते हुए उसकी आंखों के आगे से परछाई गुजर जाती। सिद्धार्थ पहले ही बहुत दिनों से ज्ञानियों की चर्चा में हिस्सा लेता आया था। गोविंद के साथ उसने बहसें की थी और उसी के साथ मनन, चिंतन और साधना का अभ्यास किया था। अभी से उसने सीख रखा था कि शब्दों के शब्द ओम का उच्चार निशब्द ढंग से कैसे किया जाए, कैसे उसे सांस के भीतर लेते समय कहें और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से सांस को बाहर निकालते समय भी शुद्ध अंतकरण के प्रकाश से दमकते हुए मस्तक के साथ। अभी से वह अपने अस्तित्व की गहराई में अनस्वर आत्मा को पहचानना जान चुका था। संसार के साथ सामंजस्य की स्थिति में उसके पिता के हृदय में अपने पुत्र की वजह से प्रसन्नता थी, जो बुद्धिमान था और जिसमें ज्ञान की प्यास थी। वे कल्पित करते थे कि वह बड़ा होकर महान ज्ञानी, पुरोहित, ब्राह्मणों में सम्राट सरीखा बन जाएगा। जब उसकी माँ उसे चलते, बैठते और उठते देखती तो उसकी छाती गर्व से भर उठती। शक्तिशाली, सुंदर, लचीले अंगों वाला सिद्धार्थ समूची गरिमा और सभ्यता से उसका अभिवादन करता हुआ, जब सिद्धार्थ अपने अनंत मस्तक, सम्राट सरीखी आंखों और पतली छरहरी देह के साथ नगर के सड़कों से होकर गुजरता तो ब्राह्मणों की जवान बेटियों के दिल में प्यार लहरे लेने लगता। उसका दोस्त ब्राह्मण पुत्र गोविंद उसे और किसी से भी अधिक प्यार करता था। उसे सिद्धार्थ की आंखों और साफ सुथरी बोली से प्यार था। उसे सिद्धार्थ के चलने के तरीके से प्यार था, उसकी गरिमा भरी चाल से। सिद्धार्थ जो भी करता या कहता वह उसे पसंद था और सबसे ज्यादा वह उसकी मेधा, उसके सुंदर आवेश भरे विचारों, उसकी प्रबल इच्छा शक्ति, उसके उच्च उद्देश्य से प्यार करता था। गोविंद को मालूम था कि सिद्धार्थ कोई आम ब्राह्मण बनकर नहीं रह जाएगा, कोई आलसी पुरोहित, जादू भरे सूत्रों का कोई लालची धंधेबाज, कोई अहंकारी निकृष्ट वक्ता, कोई दुष्ट और चालाक पुजारी या भेड़ों के बड़े से रेवड़े के बीच एक भली बुद्धिविहीन भेड़ नहीं। और वह गोविंद भी इनमें से कुछ नहीं बनना चाहता था, अपनी किस्म के 10,000 दूसरे ब्राह्मणों में से एक। वह सिद्धार्थ का अनुसरण करना चाहता था, अपने भव्य प्रेम पात्र का। और अगर कभी वह देवता बने, अगर वह कभी परम ज्योति का अंग बने तो गोविंद एक मित्र की तरह उसके पीछे पीछे चलना चाहता था, उसके सखा, उसके सेवक, उसके सेनानी, उसकी छाया की तरह। इसी तरह सब सिद्धार्थ से प्यार करते थे, वह सबको प्रसन्न और सुखी रखता था। लेकिन सिद्धार्थ खुद सुखी नहीं था। अंजीर के बाग की गुलाबी वीथियों में टहलते हुए, वृक्षों के झुरमुट की नीली छाया में बैठकर मनन करते हुए, पाप शुद्धि और प्रायश्चित के दैनिक स्नान के दौरान अपने अंग धोते हुए, आचारण की पूरी गरिमा के साथ छायादार अमराई में हवन करते हुए, सबके प्रिय, सबकी प्रसन्नता के कारण होने के बावजूद उसके अपने हृदय में उत्फुल्लता नहीं थी। नदी के लहरों से, रातों के आकाश में टिमटिमाते सितारों से, सूर्य की पिघलती किरणों से, सपने और बेचैन ख्याल बहुत बहते हुए उस तक आते, हवन में घुमड़ते धुएं से उठते हुए, ऋग्वेद के मंत्र और ऋचाओं से निस्तृत होकर, वरों वृद्ध ब्राह्मणों की शिक्षा से रिसते और टपकते हुए स्वप्न
और आत्मा की उद्विग्नता उसे घेर लेती। सिद्धार्थ को अपने भीतर असंतोष के बीज महसूस होने लगे थे। उसे एहसास होने लगा था कि उसके माता पिता का स्नेह और उसके मित्र गोविंद का प्रेम भी उसे हमेशा सुखी नहीं रख पाएगा, उसे शांति नहीं दे सकेगा, ना उसे संतुष्ट और परिपूर्ण कर पाएगा। उसे इस बात का भास होने लगा था कि उसके योग्य पिता और उसके दूसरे शिक्षक वैज्ञानी ब्राह्मण अब तक अपनी विद्या का अधिकतर और सर्वोत्तम अंश उसे सौंप चुके थे, कि उन्होंने पहले ही अपने ज्ञान का कुल जमा उसके पति क्षारत पात्र में डाल दिया था और यह पात्र पूरा नहीं भर पाया था। उसकी मेधा संतुष्ट नहीं हुई थी, उसकी आत्मा अशांत थी, उसका हृदय स्थिर नहीं था। नहाने धोने के कर्म कांड अच्छे थे, पर उनमें केवल जल था, वे पाप नहीं धोते थे, संतप्त हृदय को राहत नहीं पहुंचाते थे। बलियां और देवताओं से निवेदन सर्वोत्तम थे, मगर क्या वे सब कुछ थे? क्या बलियां सुख का संचार करती थी? और देवताओं की क्या स्थिति थी? क्या सचमुच प्रजापति ने दुनिया बनाई थी? क्या केवल आत्मन ने उसकी सृष्टि नहीं की थी? क्या देवता मेरी और तुम्हारी तरह रचे गए रूप नहीं थे, मरणशील भंगुर? तब क्या यह सब सही और उचित था? क्या देवताओं को बलि देना विवेकपूर्ण था और उपयुक्त था? तब सिवा उसके आत्मन के, उस एकमात्र के, और किसको हम बलि अर्पित करें, किसके प्रति सम्मान जतलाएं? और फिर यह आत्मन मिलेगा कहाँ? कहाँ था उसका निवास? कहाँ धड़कता था उसका चीर स्थायी हृदय, अगर वह नहीं था आत्मा के भीतर अंततम में, उस शाश्वत में जो हर व्यक्ति के लिए चलता था, अपने अंदर? लेकिन यह स्वयं, यह अंतरतम कहाँ था आखिर? वह मांस और हड्डी नहीं था, वह विचार या चेतना नहीं था, यही सिखाया था ज्ञानी पुरुषों ने, तब कहाँ था वो? क्या कोई और रास्ता था जो खोजने जाने योग्य था, जिसे स्वयं की ओर, आत्मन की ओर बढ़ा जा सकता था? कोई वह रास्ता नहीं दिखलाता था, किसी को उसकी जानकारी नहीं थी, न उसके पिता को, न गुरुओं को और ज्ञानी पुरुषों को, न पवित्र भजनों को। ब्राह्मण और उनके पवित्र ग्रंथ सब कुछ जानते थे, सब उन्होंने हर चीज को परखा था। संसार की सृष्टि, वाणी की उत्पत्ति, भोजन, श्वास प्रवास, इंद्रियों की व्यवस्था, देवताओं के कृत्य, उन्हें बेशुमार बातें मालूम थी, लेकिन इन सब चीजों का जानना किसी काम का था क्या? अगर उन्हें वह एक महत्वपूर्ण चीज नहीं मालूम थी, वह एक पवित्र ग्रंथ हो के अनेक श्लोक, सबसे अधिक सामवेद के उपनिषद, इस अत्यंत अतरंग चीज की चर्चा करते थे। लिखा था, पूरा विश्व ही तुम्हारी आत्मा है। कहा गया है कि जब आदमी सो रहा होता है, तब वह अपने अंतस्थल को भेद कर आत्मा में निवास करता है। इन श्लोकों में आश्चर्यजनक ज्ञान था। ऋषियों का सारा ज्ञान यहाँ मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए शुद्ध शहद की सी चिताकर्षक भाषा में बयान किया गया था। नहीं, ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा किए गए इस और हिफाजत से रखे गए इस ज्ञान को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन कहाँ थे वे ब्राह्मण, वे पुरोहित, जो इस गहरी जानकारी, इस गढ़न पंडित को हासिल करने और सजोए रखने में ही नहीं, इसे अनुभव करने में भी सफल हुए थे? कहाँ थे वे दीक्षित अभिमंत्रित व्यक्ति, जो नींद के दौरान आत्मा को उपलब्ध करने के बाद उसे चेतना अवस्था में, जीवन में, हर जगह वाणी और कर्म में सजोए रख सकते थे? सिद्धार्थ बहुत से योग्य ब्राह्मणों से परिचित था। सबसे ऊपर उसके पिता, धर्म परायण, ज्ञानी, प्रतिष्ठित, सम्मानित, उसके पिता प्रशंसा के योग्य थे। उनका आचरण शांत और गरिमा भरा था, वे अच्छा जीवन जीते थे, उनके शब्दों में ज्ञान था, उनके दिमाग में ऊंचे और प्रकांड विचार रहते थे। लेकिन क्या वे भी, जो इतना जानते थे, आनंद का जीवन जीते थे? क्या उनके भीतर शांति थी? क्या वे भी सतत अन्वेषी नहीं थे, कभी तृप्त न होने वाले? क्या वे भी लगातार न बुझने वाली प्यास लिए उन पवित्र स्रोतों के पास नहीं जाते थे, यज्ञों और बलियों में हिस्सा लेने, धर्म ग्रंथों का पारायण करने, ब्राह्मणों और पंडितों के वाद विवाद और धर्म चर्चा को सुनने, जो निर्मल और निर्दोष है? उसे हर रोज नए सिर से अपने पापों को क्यों धोना पड़े और खुद को शुद्ध करना पड़े?
तो क्या उसके भीतर आत्मा नहीं थी? क्या स्रोत उनके अपने हृदय के भीतर नहीं था? हमें खुद अपने अस्तित्व के भीतर उस स्रोत को खोजना चाहिए, हमें उसे पाना चाहिए। बाकी सब कुछ महज तलाश थी, एक भटकाव, भूल। यह थे सिद्धार्थ के मन में उठने वाले विचार, यही उसकी प्यास थी, उसकी वेदना। वह अक्सर छांद योग उपनिषद के शब्द मन ही मन दोहराता, वास्तव में ब्राह का नाम सत्य है। निश्चय ही जो इस सत्य को जानता है हर रोज स्वर्गलोक में प्रवेश करता है। अक्सर वह पास जान पड़ता वह स्वर्गलोक, लेकिन वह कभी उस तक पहुंच नहीं पाया था। वह कभी अपनी अंतिम प्यास नहीं बुझा सका था। और ज्ञानी जनों में जिन्हें वह जानता था और जिनके उपदेश से उसे आनंद मिलता था, एक भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह उस तक पहुंच पाया था, उस स्वर्गलोक तक। किसी एक ने भी अपनी अंतिम प्यास नहीं बुझाई थी। गोविंद, सिद्धार्थ ने अपने मित्र से कहा, गोविंद आओ मेरे साथ बरगद के पेड़ तक चले, हम ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे। वे बरगद के पेड़ तक गए और 20 कदम के अंतर पर बैठ गए। बैठकर ओम का उच्चारण करने के लिए तैयार होने पर सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में श्लोक पढ़ा। ओम धनु है, आत्मा तीर, ब्राह तीर का लक्ष्य, जिस पर साधक बिना विचलित हुए निशाना साधता है। जब साधना के लिए परंपरा से निर्धारित समय बीत गया, तब गोविंद उठा। शाम हो गई थी, अब संध्या काल स्नानादि कृत्य संपन्न करने का समय था। उसने सिद्धार्थ को उसका नाम लेकर पुकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ आत्मलीन बैठा था, उसकी आंखों की टकटकी लगी हुई थी, मानो वे किसी दूर के लक्ष्य पर केंद्रित हो। उसकी जीव का अगला सिरा उसके दांतों के बीच से नजर आ रहा था। लगता था वह सांस भी नहीं ले रहा है। वह इसी तरह बैठा था, साधन में लीन, ओम सोचता हुआ, उसकी आत्मा तीर की तरह प्राह पर केंद्रित। एक बार कुछ श्रमण सिद्धार्थ के नगर से होकर गुजरे थे। धुमंतु साधु सन्यासी, वे 3 दुबले पतले जीड़ जंचर लोग थे, न बूढ़े न जवान, धूल धुरसित लहूलुहान कंधों वाले, लगभग नग्न, धूप से झुलसते, एकाकी, विचित्र और प्रतिकूल, आदमियों की दुनिया में मर कहे श्रृंगाल। उनके गिर्द थिर आवेग का, विनाशकारी सेवा का, निर्मम आत्मनिग्रह का वातावरण था। शाम को मनन के समय के बाद सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, मित्र कल सुबह सिद्धार्थ श्रमणों में शामिल होने जा रहा है, वह श्रमण बनने जा रहा है। गोविंद ने जब ये शब्द सुने और अपने मित्र की दृढ़ प्रतिज्ञा मुख पर इस निर्णय को बांचा, कमान से छूटे तीर की तरह अविचलित उसका चेहरा फक पड़ गया। अपने मित्र के चेहरे पर पहली नजर डालते ही गोविंद को एहसास हो गया कि यह शुरुआत थी। सिद्धार्थ अपनी राह पर जा रहा था, उसकी नियति अपना को खोलना, उजागर करना शुरू कर रही थी, और उसकी नियति के साथ खुद गोविंद की नियति को भी, और वह केले के सूखे छिलके की तरह पीला पड़ गया। आह सिद्धार्थ, वह चिल्ला उठा, क्या तुम्हारे पिता इसकी आज्ञा देंगे? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा, मानो अभी अभी जागा हो। बिजली की तेजी से उसने गोविंद की आत्मा को पढ़ लिया, उसकी उद्विग्नता को, उसके हताशा और समर्पण को जान लिया। हम बेकार की बात नहीं करेंगे गोविंद, उसने नरमी से कहा, कल भोर के समय मैं श्रमण का जीवन शुरू करूंगा, इस पर अब दोबारा कोई बात मत करना। सिद्धार्थ उस कमरे में गया जहां उसके पिता मूंज की चटाई पर बैठे हुए थे। वह अपने पिता के पीछे जाकर खड़ा हो गया और वह वहीं खड़ा रहा जब तक कि उसके पिता को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो गया। तुम हो सिद्धार्थ, उसके पिता ने कहा, बोलो तुम्हारे मन में क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी आपकी अनुमति से मैं आपको बताने आया हूँ कि कल मैं आपका घर छोड़कर सन्यासियों में शामिल होना चाहता हूँ। मेरी इच्छा श्रमण बनने की है, मुझे विश्वास है मेरे पिता मना नहीं करेंगे। सिद्धार्थ के पिता इतनी देर तक खामोश रहे कि कमरे की छोटी सी खिड़की के सामने से सितारे गुजर गए और चुप्पी के अनंत भंग होने से पहले आकाश में उनका नक्शा भी बदल गया। उनका बेटा हाथ बांधे मौन और निश्चल
खड़ा रहा। पिता खामोश और बेहरकत चटाई पर बैठे रहे और सितारों आसमान में अपनी जगह बदलते रहे। फिर सिद्धार्थ के पिता ने कहा, ब्राह्मणों को आक्रोश भरे और बल दर्शाने वाले शब्द कहना शुभ नहीं देता, लेकिन मेरे हृदय में रोष है। मैं तुम्हें यह अनुरोध दोहराते नहीं सुनना चाहता हूँ। वे धीरे से उठे। सिद्धार्थ हाथ बांधे खामोश रहा। तुम रुके क्यों हो, उसके पिता ने पूछा। आप जानते हैं क्यों, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। नाखुश होकर उसके पिता कमरे से चले गए और अपने बिस्तर पर जा लेटे। जब एक घंटा बीत गया और वे सो नहीं पाए तो उठे, कुछ देर आगे और पीछे चहलकदमी करते रहे और फिर घर के बाहर आ गए। कमरे की छोटी सी खिड़की से उन्होंने सिद्धार्थ की उसी तरह हाथ बांधे निश्चल खड़े देखा। वे उसके पीले कुर्ते की झिलमिलाते देख सकते थे। उद्विग्न हृदय के साथ पिता फिर अपने बिस्तर पर लौट आए। एक और घंटे के बीतने पर भी जब वे सो नहीं पाए तो वे फिर उठे, लगे पीछे टहले, घर के बाहर आए और उन्होंने देखा कि चांद उग आया था। उन्होंने खिड़की से भीतर झांका, सिद्धार्थ वहीं खड़ा था बिना हिले डुले, बाहें छाती पर बांधे। चांद उसकी टांगों के निश्चल हिस्से पर चमक रहा था। उद्विग्न हृदय लिए पिता बिस्तर पर आ लेटे। वे एक घंटे बाद फिर उठे और उसके बाद दो घंटे बीतने और खिड़की से झांकने पर उन्होंने सिद्धार्थ को वहीं खड़े देखा, चांदनी में, तारों की रोशनी में, अंधेरे में। और एक एक घंटे के बाद बे आवाज आकर उन्होंने सिद्धार्थ को उसी तरह बिना हिले डुले खड़े देखा। उनका हृदय क्रोध से, चिंता से, भय और दुख से भर गया। पर रात के अंतिम पहर में पाव फटने से पहले वे फिर लौटे, कमरे के भीतर गए और उन्होंने युवक को वहां खड़े देखा। वह ऊंचे कंधे, कद का और अजनबी सजान पड़ा। सिद्धार्थ, वे बोले, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो, आप जानते हैं क्यों? क्या तुम सुबह, दोपहर और शाम तक इसी तरह खड़े प्रतीक्षा करते रहोगे? मैं खड़ा रहूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। तुम थक जाओगे सिद्धार्थ। मैं थक जाऊंगा। तुम्हें नींद आ जाएगी सिद्धार्थ। मुझे नींद नहीं आएगी। तुम मर जाओगे सिद्धार्थ। मैं मर जाऊंगा। और क्या तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के बजाय मरना चाहोगे? सिद्धार्थ ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, सो तुम अपनी योजना छोड़ दोगे? सिद्धार्थ वही करेगा जो उसके पिता उससे कहते हैं। दिन की पहली पहली रोशनी कमरे में दाखिल हुई। ब्राह्मण पिता ने देखा कि सिद्धार्थ के घुटने हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई थरथराहट नहीं थी। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी हुई थी। जब पिता को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब और उनके साथ घर पर नहीं रह सकता, कि वह उनसे किनारा कर चुका था, पिता ने सिद्धार्थ के कंधे को छुआ। तुम वन में जाओगे, वे बोले, और श्रमण बनोगे। अगर तुम्हें वन में आनंद प्राप्त हो तो वापस आकर मुझे सिखाना। अगर तुम्हें माया जाल से मुक्ति मिले तो वापस आना और हम मिलकर फिर से देवताओं को बलि देंगे। अब जाओ, अपनी माँ से विदा ले लो और उसे बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन मेरे लिए अब नदी पर जाकर सुबह के स्नान ध्यान का समय हो गया है। उन्होंने अपने बेटे के कंधे से हाथ हटा लिया और बाहर चले गए। सिद्धार्थ ने चलने की कोशिश की तो वह डगमगा आया। उसने खुद को संभाला, पिता की ओर झुककर नमन किया और उससे कहा वह करने के लिए अपनी माँ के पास गया। भोर के समय नींद में डूबे नगर को वह सुन्न टांगों पर धीरे धीरे छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ा, आखिर री झोपड़ी में से एक झुकी दुबकी छाया निकली और पथिक के साथ होली। वह गोविंद था। तुम आ गए, सिद्धार्थ ने कहा और मुस्कुराया। मैं आ गया, गोविंद ने कहा।